अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जैक फ्रूट कैसे कट करना है, अगर वो कच्चा है तब हम क्या करना है, कैसे उसको पकाना है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। देखो यहाँ पे हमारे हस्बैंड कच्चा वाला कटहल लेके आए थे जैक फ्रूट, और वो पक रहा नहीं था तो उसके अंदर एक शीक मतलब रॉड रख दिए, या तो लकड़ी या कुछ भी लगा कर एक दिन या दो दिन के लिए छोड़ देना। छोड़ देने के बाद में से इसमें जो कटहल पकने के बाद स्मेल आता है ना, वो स्मेल आते है तो तब हम इस काट के देखे, मतलब बिना चाकू कई काट दिए हमारे हस्बैंड हॉफ तक। तो यहाँ पे देखो ये ना कितना टेस्टी है, मैं मोस्ट फेवरेट फ्रूट कटहल है, कटहल मुझे बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट तो सारा एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया मैं तो, बट आप लोग भी अगर आपके पास कच्चा कटहल है, आपको खाने का मन कर रहा है, वो तो पकने तक इंतज़ार नहीं है, तो इस तरह से आप लकड़ी लगा कर उसको दो या एक दिन छोड़ देने के बाद उसको खा सकते हैं। आपको ना स्टार्टिंग ऑफ की वीडियो आपको मिलेगा, लकड़ी कैसे लगाना है, किस तरफ से लगाना है, जिस तरफ डंडी रहती ना कटहल की उस तरफ लगाना है, उसकी जो डंडी कट कर देती। और एक बात है, जब कटहल काटने के टाइम पे अपने हाथ में तेल लगा कर काटना है, वरना ये पूरा चिप चिप लग जाता है, मतलब गम की तरह लगता है, ये गम की तरह पूरा हाथों में चिपक जाता है। हम लोग कभी ट्राई नहीं करे थे इसका बीन्स की सब्ज़ी, तो इसके बीन्स की सब्ज़ी भी बनाए थे हम, मोस्ट मतलब बहुत डिलीशियस थी, न्यूट्रिशियस भी है वो रेसिपी, आप लोग भी ट्राई करिए। तो मेरा वीडियो कुछ भी यूज़फुल लगे तो आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।